एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? और आप सभी को मेरी तरफ से गुड गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि भाई किचन में जाए बिना तो काम चलता नहीं है, ना मेरा चलेगा ना किसी और का। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की रूटीन। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ दो तीन चीज़ों की। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ बन रही है, मतलब ऐसा होता ना कि रोटी सब्जी बन जाए तो उसी में सब लोग खा लेते हैं, पर ऐसा है आज के दिन मुझे ये था कि यार मेरे को जो पसंद है वो मनीष को पसंद नहीं आता ज़्यादा, तो मनीष को जो पसंद है वो मुझे नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा बना रही थी और सारांश के लिए अलग से बन रहा था। ऐसा नहीं है कि तीनों बेकार है, तीनों बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक तरफ मैं बना रही थी अप्पम। अप्पम मैंने ये लास्ट के हैं, बाकी खा लिए हैं मनीष ने और सारांश ने। तो ये हैं अप्पम। तो अप्पम की रेसिपी मैंने आप सभी के साथ व्लॉग में शेयर की थी, तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं ये। इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इसमें मम्मा ने क्या क्या सब्जियां डाली हुई हैं। और दूसरी जगह मैं बना रही थी आटे के चिले। तो आप में से काफ़ी लोग भी बनाते ही होंगे, तो मैं ये इसलिए तब बनाती हूँ जब मुझे बहुत आलकस रहता है कि यार कौन आटा गूंदे, कौन प्याज डाल के उसमें पराठे बनाए। तो पराठे का टेस्ट अगर लेना हो और आटा भी ना गूंदना हो तो सबसे सिंपल है भाई, आटे के चीले बना लो। तो आटे में जितनी हो सके उतनी चीज़ें डाल दो, जैसे कि आप स्प्रिंग अनियन डाल सकते हो, मेथी के पत्ते काट के डाल सकते हो, और इसमें हरा तो मैंने बोल दिया ना, प्याज डाल सकते हो, टमाटर डालना हो टमाटर डाल सकते हो, और कैप्सिकम डालना हो तो वो भी डाल सकते हो। मतलब ये है कि चीलों में तो जितनी चीज़ें डल जाएँ उतनी अच्छी हैं, पर ये भी ना हो कि सारी चीज़ें डाल के खिचड़ी पका दो और वो बेकार सा टेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिमिटेड चीज़ें डाली है, जो जो मुझे पसंद है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से घोल लेती हूँ नमक मिर्च, ताकि कहीं डल रह ना जाए, एक जगह ज़्यादा हो गया बाकी जगह कम हो गया, ऐसा भी ना हो जाए। तो इसलिए पानी हल्का हल्का पानी डाल डाल के, क्योंकि ना कभी कभार मुझसे ऐसा होता है कि बहुत सारा एकदम पानी गिर जाता है, तो ये सब होता है जल्दीबाजी के चक्कर से। तो इसलिए दो तीन बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं बड़ी सावधानी पूर्वक काम कर रही हूँ कि हाँ यार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने चटनी पीस के रखी हुई है, इसमें हरा धनिया है और हरी मिर्च है, लहसुन वगैरह है। तो इसको डालने के बाद तीन चार चीज़ों का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मेरे को ये सही लगता है कि हरी मिर्च पीस के रख दो, हरी मतलब धनिया के साथ, और जब जब आपने सब्ज़ी में डालना हो तब तब सब्ज़ी या फिर किसी भी चीज़ में डालना हो आप डाल के खा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा घोल तैयार हो चुका है, उसमें मैंने नमक डाला है, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर बस, और हरी मिर्च तो मैंने आप ही के सामने डाल दी थी। तो यहाँ पर मैं नॉनस्टिक पैन में बना रही हूँ, इजीली इस पर बहुत इजीली बन जाता है और बहुत बहुत टेस्टी भी बनता है। मतलब गजब लगता है मुझे ये आटे का चीला। बेसन का मुझे इतना पसंद नहीं है, बेसन का मनीष को पसंद है, पर मैं बेसन के बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद को ही पसंद नहीं है। आटे का मुझे कितने मर्जी खिला लो पर बेसन के नहीं मैं खा सकती। तो देखिए कैसे पराठे वाला, ये तो डिपेंड करता है, आप जितना मर्जी तेल ही लगाइए उतना ही वो करारा सा बन जाएगा। और ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देख के। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल का चीला। ये है पीली मूंग की दाल जो हमने भिगा करके पीसी है। इसमें हरी मिर्च और नमक, हल्दी, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और हींग, और थोड़ी एक और चीज़ है अजवाइन, और एक और चीज़ है वो क्या है, खुद ही भूल गई। तो ये देखिए हमारा चीला बनते हुए, ऐसा मत सोचिएगा कि ये कच्चा है, ये येलो येलो ही दिखता है, मतलब थोड़ा ब्राउनिश शेड में आ जाए तो पहचान लीजिएगा कि ये बन चुका है। बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं डाले हैं, जैसे धनिया पाउडर, धनिया पत्ता या फिर ये मेथी के पत्ते आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने पहले सिंपल ही सोचा कि सिंपल ही बना के देखती हूँ। खाना लगते हुए सॉस के साथ मेरे घर मिर्च की खेती लगी है, तो दीदी उसमें से कुछ दो तीन किलो मिर्च निकल ही जाएगी आज। हाँ, निकल तो जाएगी जब ये पक जाएंगी, थोड़ी भी जाएंगी निकल जाएगी, दो तीन किलो हो जाएगी ना, उगते रहेगी तो दो तीन किलो भी नहीं होगी। खुद उग रही है क्या? हाँ थोड़ी ना, मैं पकड़ पकड़ के उगा रही हूँ।
मतलब खुद ही गिर गिर के हो रही है क्या? ना ना फिर तो दिन के टाइम पे मैंने बनाया था मूंग दाल का चीला, क्योंकि कुछ हैवी खाने की इच्छा नहीं थी, दाल चावल खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मूंग दाल का चीला दिन के लिए हो गया था। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी संचू को खिलाने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक पैर इधर एक पैर उधर रहता ही है। और उसके बाद हम लोग मिर्च तोड़ने लग गए थे, मतलब ऐसा नहीं कि हो गई थी, मुझे चाहिए थी हरी मिर्च, मेरी थोड़ा ना ख़त्म होने वाली थी, इसलिए मैंने कहा चलो घर की ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और रात के बज चुके हैं 6:30, मतलब शाम के बज चुके हैं 6:30, और हम लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि आज है वैकुंठ चतुर्दशी, तो उसी के लिए हम लोग शिव जी पे जोत जलाने के लिए जा रहे हैं, मतलब बत्ती जलाने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ चल लीजिए, दीदी और मैं जाएंगे। तो 28 नवंबर को होती है वैकुंठ चतुर्दशी, तो जी हाँ, आज उसी के लिए हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और शाम के 6:30 होने वाले हैं। तो अंधेरा देखो, काफ़ी अंधेरा हो गया ना, तो दीदी और मैं ही जा रहे थे, और दिन मम्मी भी चले जाते थे, मतलब और साल मम्मी भी चले जाते, तो इस बार उन्होंने बोला तुम लोग ही चले जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, बच्चों को हमने घर में छोड़ दिया था, मतलब मनीष भी आ चुके थे तो उन्होंने सारांश को देख लिया था, तो इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी। और हम पहुँच चुके थे मंदिर बत्तियाँ जलाने के लिए, जो कि साल भर की बत्तियाँ होती है। तो यहाँ पर काफी लोग करके चले भी गए हैं जला के मंदिर, और यहाँ पर फिर हम लोग जला रहे हैं, और अच्छी बात ये रही कि भीड़ बिल्कुल नहीं थी। तो हम लोग घर से ही बत्ती, मतलब बत्ती तो मम्मी ने बना दी थी, तो घर से ही लेके आए हैं ताकि हम लोग भी मंदिर में जला सकें, और काफ़ी लोगों ने कर भी दी है। हमने सोचा था आज के दिन भीड़ मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, सब लोग, काफ़ी लोग मानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी को, जो कार्तिक महीने की चतुर्दशी होती है उसकी बहुत मान्यता है, मतलब ऐसे कह लीजिए एक पर्व है हमारे लिए ये भी, जो कि दिवाली के 14 दिन बाद आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था भीड़ होगी, पर इतनी नहीं थी, मतलब थी पर 2-4 इधर उधर थे, बाकी करके चले गए थे, बाकी आने वाले होंगे, मतलब सबका अपना अपना समय है। तो एक तसल्ली, सुकून, एक मतलब इसमें बहुत पॉजिटिविटी सी है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए मनोकामना मांगते हैं या कुछ भी है, तो शिव जी के आगे ये जो जलाई जाती है। और इस दिन कहते हैं कि शिव जी और विष्णु जी की पूजा होती है, और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो श्रीनगर है ना गढ़वाल में, वहाँ पर एक श्री कमलेश्वर मंदिर है, वहाँ पर भी खूब खड़ा दिया रखा जाता है। तो जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं वो मतलब पहले बुकिंग करा दी जाती है, और फिर उसके बाद खड़ा दिया रात भर रखा जाता है, जो निसंतान होते हैं जैसे, और भी चीज़ों के लिए रखा जाता है, पर मैंने ज़्यादातर यही सुना है कि बच्चों के लिए वो चीज़ की जाती है। तो बहुत मान्यता है आज के दिन की, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन की, एक पर्व है, जैसे कि और चीज़ें होती हैं वैसे ही ये भी हमारे लिए एक तरीके का पर्व है। तो यहाँ पर हमने जोत जला दी है, बत्तियाँ बोल लो, जोत बोल लो, जो भी आप लोग कहते हैं, तो यहाँ पर जला दी है हमने, और अब स्टार्ट हो गई है हमारी पूजा। तो यहाँ पर मतलब जब हम चल के आ रहे थे ना, तो बहुत ठंड लग रही थी, आपको पता ही आजकल कितना ठंडा हो चुका है, बर्फ़ बर्फ़ भी पड़ रही है, तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी। और जैसे कि जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे ना, तो इतना मतलब कहते हैं ना, आप जैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पहुँच जाते हो, एकदम से आपका वही चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर एकदम से ऐसा हो गया कि ठंड है ही नहीं, बिल्कुल गर्मी गर्मी से लगने लग गई थी। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमेशा हमें अपने प्रभु के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो हो सका कभी आने वाले टाइम में हम आप लोगों को इस दिन पे श्रीनगर भी लेके चलेंगे, जो अगर भगवान जी बुलाएंगे कभी, मेला देखने भी जाएंगे, वहाँ पर मेला लगता है वैकुंठ चतुर्दशी का। तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि हम सब खुश रहें, आप सब खुश रहें, और हमेशा ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहें और मैं आपके लिए ब्लॉग्स बनाती रहूँ। तो यहाँ पर भी मैंने अपनी बात कर ली ना।
तो ये था हमारा आज का वैकुंठ चतुर्दशी का व्लॉग। तो मैंने एक चीज देखी है कि जो सब्सक्राइबर हैं वो तो व्लॉग देखते ही हैं, पर जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो ज्यादा देखते हैं। तो प्लीज आपने जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।